ईमानदार कान ने जिन्हों तो बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होंदा उन्हां चो तकदीर ते ईमान लियाना अल्लाह ताला फरमांदे ने। अल्लाह ताला दे फैसले जो जिहड़े कायनात के अंदर रूनमा होंदे ने उन्हां अल्लाह दे साबका इलम दे तहत ते उन्दी हिकमत दे तहत तकदीर ते ईमान लाने दरजात ने। अल्लाह ताला दे अजली इलम ते ईमान लियाना कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ का अहाता किया होया तो वह जान गया जो हो चुकया है तो जड़ा होने होने वाला है तो जड़ा हो रहा है अमूमी तौर पर तफसीली तौर पर। अल्लाह ताला फरमाते ने बेशक अल्लाह हर चीज़ का इलम रखने वाला है तो और अल्लाह का इलम किसी तजदीद का मुहताज नहीं, ना ही उनके साबका इलम च कोई कमी है, ना ही उनका भुलन वाला है। इलम के बाद तकदीर तो ईमान चो है, तकदीर के लिखे जाने ईमान लियाना तो बस असी ईमान रखने कि अल्लाह ताला दे साबका इलम के तहत अल्लाह ताला ने लोहे महफूज के अंदर फैसले लिख दिते ने मखलूकात के मुतलक ते जो वाकया हो रहा हो चुकया तो जड़ा हो रहा जड़ा होने वाला क़यामत तक अल्लाह दे हाँ लिखा होया है। अल्लाह ताला दा फरमान है असी हर चीज़ नो एक वाज़े किताब के अंदर महफूज कर रखे है तो हदीस चाहता है सब तो पहले अल्लाह ने कलम पैदा किया तो उन्होंने क्या लिख तो उन्हें लिखा जो भी क़यामत तक होने वाला है हमेशा वास्ते। तकदीर ते ईमान जो है कि अल्लाह के इरादे ते मशीयत ते ईमान लियाना बस असी ईमान लियाने कि जो कुछ इस कायनात के अंदर हो रहा है वह अल्लाह ताला के इरादे और मशीयत के नाल हो रहा है और जो अल्लाह ने चाहा हो गया और जो उन्हें नहीं चाहा तो नहीं होया उन्हें तो सवाल नहीं किया जाएगा क्योंकि वो कमाल हिकमत और उनकी अजीम सल्तनत है, कमाल हिकमत आली जात है तो उनके और मखलूक नूं पुछा जाएगा। तकदीर ते ईमान चो है कि मखलूक और उनके वजूद ते ईमान लियाना तो असी ईमान लियाने कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ नूं पैदा किया और किया तो उनके अलावा कोई खालिक नहीं, ना कोई उनके अलावा कोई रब है, उनके अलावा हर चीज़ मखलूक है तो वह हर अमल करने वाला और आमिल और हरकत करने वाला और हरकत देने वाला सब का खालिक है। अल्लाह ताला का फरमान अल्लाह हर चीज़ का खालिक है तो हर चीज़ से निगरान है। बस जो 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 तकदीर ते ईमान ले आया उन्दे ते तवक्कल किया उन्दी तरफ जिन्हें रजू किया सारी खैर अल्लाह सुबहान तला की अल्लाह सुबहान तला की तरफ तो है और जो ईमान ले आया तकदीर ते असबाब नू इख्तियार करदे होया क्योंकि तकदीर दे विचों ही है असबाब नू इख्तियार करना तो अकल की कमी है कि इख्तियार असबाब नू इख्तियार ना करना अकल की कमी है और उन्दे ते भरोसा करना चाहिए अल्लाह ते तौहीद उन्दे ते भरोसा अगर ना किया जाए तो तौहीद च नक्स है। तो जड़ा तकदीर ते ईमान लियाया उनका नफ्स मुतमिन हो गया, मुसीबतों के वक्त साबित कदम हो गया उनके इलम की वजह नाल कि अल्लाह के फैसले इन्हें अल्लाह ताला दा फरमान है कोई भी मुसीबत आती पहले इस तो कि अल्लाह ताला उन्हें पैदा करने किताब च लिखी हुई है और एक काम अल्लाह वास्ते बड़ा आसान है जिसका मतलब यह है कि जड़ा तुहाड़े चो रह गया उन्दे ते गम ना खाओ और जो तुहानू उन्हें दे दिता उन्दे ते उस अतराओ ना तकबर ना करो और अल्लाह ताला अतराने और तकबर करन वालेयां नू दोस्त नहीं रखता।